ये कहा जाता है अगर आप किसी पर्सन को रियली में लव करते हो तो आप उससे 3 दिन से ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकते। अगर कोई 3 दिन बाद भी इस 3 दिन झंझोड़ के पार हो जाने के बाद भी वो गुस्सा है तो मतलब वो ब्रेन के लेवल से वो लव मौजूद है। ऐसा होता है ना, अगर आप किसी से गुस्सा होते हो तो 1-2 दिन या फिर मैक्सिमम 3 दिन रह पाओगे, फिर आपको कंट्रोल नहीं होगा और आप खुद बातें करने लगोगे। नंबर 7, दोस्तों ये जो फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लावर है जो कि स्पेस में उगा है। इस फ्लावर का नाम है अरबिडोप्सिस। नंबर 6, क्या आपको पता है एमेथिस्ट मशरूम का एक प्रजाति है जिसको एलाइमिक्सा सेरिफीरा कहते हैं। ये सबसे पहले साल 1942 में खोजा गया था और जब ये मशरूम बड़ा होता है तब ये कुछ डिस्को बॉल टाइप का दिखाई देने लगता है। डिस्को की तरह दिखता है और डिस्को बॉल की तरह चमकता है। दुनिया का सबसे अमेजिंग चीज़ों में से एक है। नंबर 5, दोस्तों शादी करना ऐसे तो आम बात है लेकिन खुद के फ़ोटो से शादी करना बड़ी अजीब बात है। चीन के रहने वाले 39 वर्षीय लुई ने परंपरागत तरीके से खुद से शादी कर ली है। उनका मानना था कि वो खुद से ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देते हैं। उन्होंने अपने ही तस्वीर को फोम पोस्टर में दुल्हन की तरह सजा कर शादी कर ली है। नंबर 4, कुछ हफ्ते पहले ब्रिटिश कोलंबिया में हुड फायर हुआ था और किसी भी जंगल में आग लगता है बहुत भारी मात्रा में तो स्मोक और पूरा बादल काला हो जाता है और पूरी तरह से सन की लाइट धरती पर नहीं आती है। ये सब कॉमन है लेकिन जब 50-60 जंगल एक साथ जलते हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा होता है। इसके चलते इतना ज़्यादा हीट और इतना ज़्यादा स्मोक पैदा हो जाता है कि वो सन के लाइट को ब्लैक कर दिया और दिन के 11 बजे बिल्कुल रात के जैसा दिखने लगा, पूरा आसमान रेड हो गया। नंबर 3, एक फंगस होता है जिसको साइंटिफिकली हाइडेनलम पेकी और इसे ब्लेडिंग टूथ भी कहते हैं और ये फंगस जंगलों में पाया जाता है। अगर कोई रैंडम सा इंसान इसको जंगलों में देखे तो उसको लगेगा जंगल पर क्रीम गिरा हुआ है और उसको लगेगा कि क्रीम के ऊपर बेरी गिरा हुआ है। नंबर 2, क्या आपको पता है कुत्तों को कहीं दूर आप ले जाकर छोड़ देते हैं फिर भी वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल कुत्ते पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों को समझ सकते हैं। कुत्ते अल्ट्रावायलेट प्रकाश देख सकते हैं, इसीलिए उन्हें जहाँ से छोड़ा जाता है वो वहीं पर वापस आ जाते हैं। नंबर 8, जब भी कोई स्पेसमैन स्पेस से लौटता है तो उसकी 2 इंच लंबाई बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे स्पेस से लौटने पर लंबाई कैसे बढ़ सकती है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है जिससे कई और लचीली हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की मदद से ये लचीली हड्डियाँ फैलने लग जाती हैं जिस कारण इंसान की 2 इंच लंबाई बढ़ जाती है स्पेस से लौटते समय।